शिखर धवन का ओवल में धमाका, रिकॉर्ड्स की लगा दी झड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, ICC टूर्नामेंट यानी कि 12वें विश्व कप में एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने अपने बल्ले का जोर बेहद खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाया। धवन ने इस विश्व कप में अपना पहला शतक जड़ा और टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई। ICC टूर्नामेंट में धवन भारतीय टीम के लिए खूब रन बनाते हैं और शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है। धवन का यह दूसरा विश्व कप है और उन्होंने अपने दूसरे मैच में ही दिखा दिया कि वह अपनी टीम के लिए कितने अहम हैं। मजबूत कंगारू टीम के खिलाफ धवन ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 95 गेंदों में अपना शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का 17वां शतक है। इससे पहले धवन ने मैच कंगारू टीम के खिलाफ भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 127 रनों की मजबूत साझेदारी की। हालांकि धवन ने विश्व कप के इस पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं चले थे और वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धवन ने वनडे क्रिकेट में अपना 4वां शतक लगाया। ओवल में शिखर धवन का यह तीसरा वनडे शतक रहा। इससे पहले ओवल में शिखर धवन ने इस पारी से 110 रन और 125 रनों की शतकीय पारी खेली थी। धवन ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 109 गेंदों में 117 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में कुल 16 चौके लगाए। धवन को मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंद पर नाथन लायन के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, धवन को शतक पूरा करने के लिए एक ही रन की ज़रूरत थी। उन्होंने पहले पारी के 33वें ओवर में चौथी गेंद पर एक रन ले लिया। रन लेने के दौरान विराट जिस तरफ से जा रहे थे, थ्रो पर गेंद विकेट पर जा लगी। कंगारू खिलाड़ियों ने विराट के आउट होने की अपील कर दी। फील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया, तब तक के लिए खेल रुका हुआ था। फिर जैसे ही थर्ड अंपायर ने विराट को नॉट आउट करार दे दिया, धवन ने अपने शतक का जश्न मनाया। जी हाँ दोस्तों, ICC टूर्नामेंट में धवन का यह 6ठा शतक रहा। इस मामले में धवन से आगे सचिन और गांगुली भी हैं, जिन्होंने ICC टूर्नामेंट में यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व कप में 7-7 शतक लगाए हैं। धवन इस मामले में पोंटिंग और संगकारा की बराबरी पर आ गए हैं।